चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं व्याकरण पोषण अलंकार। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम, अलम का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता और कार का मतलब होता है साधन। तो इस प्रकार हमने देखा अलंकार वे साधन हैं जो कि शोभा या सुंदरता बढ़ाते हैं, पर किसकी शोभा या सुंदरता बढ़ाते हैं? काव्य की। जिस प्रकार वैसे तो अलंकार को हमने पर्याय माना है गहने के का, जिस प्रकार स्त्रियों की सुंदरता गहनों के माध्यम से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले साधन या तत्व को हम अलंकार कहते हैं। अब हम देखते हैं अलंकार के भेद या प्रकार। अलंकार को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार, जहाँ शब्द के द्वारा सुंदरता बढ़ेगी शब्द अलंकार, और जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ेगी अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार को पुनः हमने तीन भागों में विभाजित किया है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थ अलंकार के भी तीन भेद हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो ये हमारा पूरा चार्ट है अलंकार का। अलंकार के दो भेद शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के पुनः तीन भेद हमने दिखाए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और अर्थ अलंकार के तीन भेद उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अब हम इन भेदों को अलग अलग जानेंगे। कभी कभी काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से सौंदर्य वृद्धि होती है, अर्थात उसकी सुंदरता बढ़ती है, वहाँ उभय अलंकार होता है। इस उदाहरण के माध्यम से हम उसे स्पष्ट करेंगे। सोहत ओड़े पी पर श्याम सलोने गार, मनो नीमणि शैल पर आतप पैरो प्रभा। अगर हम पहली लाइन देखें, सोहत ओड़े पीठ पर पा पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, और अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार का भेद है। इसी प्रकार श्याम सलोने में भी हम देखें सावर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और दूसरी लाइन में यदि हम आए, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभा। मनो अर्थात मानो, मानो मीन्स कल्पना या संभावना व्यक्त की जा रही है, और जहाँ भी कल्पना और संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो पहले में शब्द अलंकार और दूसरे में उत्प्रेक्षा अलंकार का जो प्रयोग किया गया वो अर्थ अलंकार है। तो शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि हुई, इसलिए से उभय अलंकार कहेंगे। अब तक हमने अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार के बारे में जाना। अब हम शब्द अलंकार के भेद और अर्थ अलंकार के भेद को विस्तार से उदाहरण पढ़ेंगे। इसके पहले हमने देखा अलंकार, अलंकार के भेद। अलंकार के भेद में हमने शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एक और अलंकार माना गया जिसे उभय अलंकार कहा गया। अब हम शब्द अलंकार के भेद के अंतर्गत हमने तीन प्रकार देखे थे, अनुप्रास, श्लेष और यमक। आज हम प्रारंभ करेंगे अनुप्रास अलंकार से। अनुप्रास अलंकार, जैसा कि हम देख रहे हैं अनुप्रास, अनुप्रास का मतलब होता है वृद्धि की आवृत्ति। वृद्धि अर्थात वर्ण, वर्ण, वर्ण और शब्द में अंतर है। वर्ण मीन्स अक्षर। जहाँ जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स किसी चीज का बार बार आना, एक से अधिक बार आना। जिस अलंकार में किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, पल पल परिवर्तित प्रकृत वेश, पल पल परिवर्तित प्रकृत वेश। यदि हम देखें, मैं बात कर रही हूँ वर्ण की, अक्षर पा 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 पा। इस उदाहरण में पावर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसीलिए इसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। वैसे अनुप्रास के भी भेद हैं, अनुप्रास के पांच भेद हैं, जिसमें पहला प्रकार है छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास,
श्रुति अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास। मैं उसको बहुत ही संक्षिप्त में आपको बता देना चाहती हूँ कि छे का अनुप्रास, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, छे प्लस अनुप्रास, अर्थात जहाँ एक वर्ण दो बार आए, अर्थात उसकी एक बार आवृत्ति हो, जहाँ एक वर्ण की दो बार आता है या एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, उसे हम छे का अनुप्रास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आप सुनेंगे, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकला, नियति नटी कार्यकला, नावर्ण की आवृत्ति हुई एक बार, कावर्ण की आवृत्ति हुई एक बार। एक बार आवृत्ति मतलब वो वर्ण दो बार आए, तो जहाँ एक वर्ण दो बार आएगा वहाँ छे का अनुप्रास होगा। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि दूसरा भेद होता है वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास अर्थात एक, जैसे हम इस एग्जाम्पल में देखें पल पल परिवर्तित प्रकृत वेश, यहाँ हम देख रहे हैं पा एक दो तीन चार, दो से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ वृत्यानुप्रास होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमने एक पंक्ति सुनी है, चारु चंद्र की चंचल किरणें आप सुन चुके हैं, इसके अलावा आप अक्सर सुनते हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, जो उदाहरण सुनते हैं उसमें भी चार 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 वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए उसे वृत्यानुप्रास कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि अनुप्रास का तीसरा भेद है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास अर्थात जहाँ पूरे वाक्य की आवृत्ति होती है। अभी तक हम वर्ण की आवृत्ति देख रहे थे, परंतु लाटानुप्रास में पूरे वाक्य की आवृत्ति होती है। उदाहरण से समझेंगे, कूद कपूत तो क्यों धन संचय, कूद सपूत तो क्यों धन संचय। हमने पहली लाइन में देखा क्यों धन संचय और दूसरी लाइन में भी क्यों धन संचय, पूरे वाक्य की आवृत्ति हुई है, पर यदि हम उनका अर्थ देखेंगे तो दोनों बार अर्थ अलग अलग है। यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन का संचय क्यों किया जाए, क्योंकि वो धन कमा लेगा। क्यों धन संचय का अर्थ है वहाँ धन का कमाना, जबकि दूसरे उदाहरण में हम दूसरी लाइन में हमने देखा पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यदि पुत्र कुपुत्र है तो धन का संचय क्यों किया जाए, यहाँ अर्थ है क्योंकि वो धन गवा देगा। तो एक ही वाक्य की आवृत्ति हुई परंतु दोनों बार उसके अर्थ वहाँ अलग अलग है, इसलिए वहाँ लाटानुप्रास। इसके बाद चौथा अनुप्रास का भेद होता है श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अर्थात श्रुति की आवृत्ति, श्रुति में सुनना। अगर हमारे मुख के एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण किसी पंक्ति में बार बार आते हैं उसे श्रुति अनुप्रास कहते हैं। जैसे लेना सुधी इस दीन की दीना नाथ दयाल, यदि आप गौर से इसे सुनेंगे और कहेंगे लेना सुधी इस दीन की दीना नाथ दयाल, तो आपके दंतव्य व्यंजन का प्रयोग हुआ है, दांतों से बोले जाने वाले वर्णों की अधिकता है। तो यदि किसी उदाहरण में मुख के एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण की आवृत्ति होगी उसे श्रुति अनुप्रास कहेंगे। और अनुप्रास का जो अंतिम भेद है वो है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास में बस इतना होता है अंतिम वर्ण की समानता। अक्सर हम कविता लिखते हैं या बहुत सी पंक्तियां पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं अंतिम वर्ण समान होते हैं, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, आई जाए ई ई। तो इस तरह के वर्ण की आवृत्ति जब अंतिम वर्ण में समानता होगी वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक बार फिर से देखेंगे, अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति और अनुप्रास के पांच भेद, पहला छे का अनुप्रास, दूसरा वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब हम शब्द अलंकार के दूसरे भेद की ओर अग्रसर होते हैं जो है यमक अलंकार, यमक अलंकार। अभी तक हम वर्ण की बात कर रहे थे परंतु यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। यदि किसी पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, प्रत्येक बार अर्थात शब्द भी जितने बार आएगा उतने बार शब्द का अर्थ अलग होगा। उदाहरण हम देखेंगे कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर वा पाए बौराय। कनक 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 कनक, यहाँ कनक शब्द हम अनुप्रास में वर्ण की बात कर रहे थे और हम यमक में शब्द की बात कर रहे थे, तो कनक शब्द दो बार आया है और प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग है। एक कनक है सोना और दूसरा कनक है धतूरा। यहाँ बताया गया है सोने और धतूरे में इतनी अधिक मादकता, मादकता मीन्स नशा या
नशा होता है कि जिसको खाने से अगर हम अधिक मात्रा में धतूरा खा लें तो भी हम पागल हो जाते हैं, और यदि अधिक मात्रा में यदि हमें सोना मिल जाए तो भी हम खुशी से पागल हो जाते हैं। तो कनक शब्द दो बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। अब अगला अलंकार हम देखेंगे शब्द अलंकार के भेद के अंतर्गत श्लेष अलंकार। श्लेष जैसे नाम से स्पष्ट है, श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट, श्लिष्ट या चिपका हुआ। जब एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए हो, शब्द एक हो पर उसके अनेक अर्थ हो, उसे शब्द श्लेष अलंकार कहेंगे। उदाहरण देखिए, रहमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए न उगरे मोती मांग सुन। जैसे कि यहाँ हम पहली पंक्ति नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ दूसरी पंक्ति में आएंगे। पानी गए न उबरे मोती मारुष चून। यहाँ शब्द है पानी और पानी के तीन अर्थ हैं। पानी के तीन अर्थ, पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक है, पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में मान सम्मान है, और पानी का अर्थ चूने के संदर्भ में साधारण जल। वो कैसे मैं बताती हूँ आपको कि जिस समय सीप में स्वाति नक्षत्र की एक बूंद प्रवेश करती है तब चमकीला मोती बनता है। तो यहाँ मोती के लिए पानी का अर्थ चमक हुआ, और मनुष्य के जीवन में पानी का अर्थ उसका मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, जबकि चूने के लिए पानी का अर्थ है साधारण जल। तो शब्द एक है पर उसके अर्थ अनेक निकले, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार हुआ। अब हम देखेंगे अर्थ अलंकार के भेद। अर्थ अलंकार के भेद में जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अर्थ अलंकार के तीन भेद हैं, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, उपमा मीन्स तुलना या समानता। उपमा अलंकार वहाँ होता है जब समान दिखने वाली दो वस्तुओं की हम तुलना करते हैं। अब अगर हम इसे और अच्छे से कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय की उपमान से समांतर या तुलना बतलाई जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब उपमेय और उपमान को हम समझ लेते हैं कि उत्तर क्या है उपमेय और उपमान। उपमेय जिस वस्तु की हम तुलना करते हैं उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु के साथ हम तुलना करते हैं उसे उपमान कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पेन है और एक पेंसिल है। अगर मैं पेन की तुलना पेंसिल से करूं तो पेन उपमेय होगा और पेंसिल उपमान होगी। अक्सर तुलना किससे की जाती है, जिसमें वो गुण होता है। उदाहरण से स्पष्ट करेंगे, पीपल पात सरिसमन डोला। पीपल पात सरिसमन डोला अर्थात पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो यहाँ मन जो है उपमेय है, मन की तुलना हम किससे कर रहे हैं, पीपल के पत्ते से। पीपल के पत्ते की तुलना मन से नहीं की जा रही, क्योंकि डोलने का मन या हिलने का गुण जो है वो पीपल के पत्ते में होता है, मन में नहीं होता। तो हमने मन की तुलना पीपल के पत्ते से की है, इसलिए मन उपमेय है, पीपल का पत्ता उपमान है, और इन दोनों की समानता हमने सरिस अर्थात ये शब्द है जो इन दोनों को समान बता रहा है, इसे वाचक शब्द कहा जाता है। और डोला, डोला मीन्स हिलना, हिलना ये गुण है जिसके कारण हम इन दोनों को की समानता तुलना बता रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ उपमेय की उपमान से समानता या तुलना बतलाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के अंग जानने जरूरी है। उपमा अलंकार के जैसे मैंने बताया चार अंग होते हैं। पहला तो हमने देख लिया उपमेय, दूसरा उपमान, एक होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द अर्थात जिसमें उपमेय और उपमान की हम तुलना करते हैं, और एक होता है साधारण धर। साधारण धर मीन्स वे जिस गुण के कारण हम उपमेय और उपमान को कंपेयर करते हैं या दोनों के समानता बताते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उपमा अलंकार के प्रमुख दो भेद होते हैं, एक पूर्णोपमा और एक लुप्त उपमा। पूर्णोपमा अर्थात जिसमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर ये चारों उपस्थित होंगे उसे पूर्ण उपमा कहेंगे। परंतु इसके अलावा एक भेद होता है लुप्त उपमा। लुप्त उपमा का मतलब ये है यदि उपमेय, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर में से कुछ भी अनुपस्थित हुआ तो वे लुप्त उपमा कहलाएगा।
जैसे मैं कहूँ पड़ी थी बिजली सी बिकराल। कौन पड़ी थी, हम किसकी तुलना कर रहे हैं? तो जब वहाँ कोई भी, यहाँ उपमेय अनुपस्थित है क्योंकि जिसकी तुलना की जा रही है वही नहीं है, तो इसलिए वहाँ अलंकार होगा लुप्तोपमा। तो फिर से देखते हैं उपमा अलंकार के दो उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय की उपमान से समानता बताई जाती है उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के चार अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, और साथ ही साथ उपमा अलंकार के प्रमुख दो भेद पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा जहाँ चारों अंग उपस्थित होंगे उपमा अलंकार के वो पूर्णोपमा, और जिस उपमा अलंकार में उपमा के कोई एक अंग अनुपस्थित होगा उसे लुप्तोपमा कहेंगे। अगले भेद की ओर अग्रसर होते हैं जो कि है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जैसे मैंने आपको उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान समझा दिया है, जिसकी तुलना की जाती है उपमेय और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान है। तो जहाँ उपमेय और उपमान को एक ही रूप मान लिया जाता है, अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अब एक ही रूप मान लिया जाता है मीन्स कि दो वस्तुएं अलग अलग होती हैं पर हम उसको एक रूप बना लेते हैं। जैसे मन मंदिर, मन अलग है मंदिर अलग है पर हम कहते हैं मन रूपी मंदिर। यहाँ देखिए उदाहरण, चरण सरोज पखारण लागा। चरण मीन्स पैर, सरोज मीन्स कमल, परंतु हमने इसको एक रूप बना लिया कमल रूपी चरण। क्या हो गया ये कमल रूपी चरण, जबकि सरोज कमल और चरण दोनों वर्ण अलग है पर जब दोनों को एक ही रूप बना लिया जाएगा तो वहां पे रूपक अलंकार होगा। इसके अगले भेद की ओर आते हैं जो कि है उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार में संभावना और कल्पना की जाती है। तो जिस अलंकार में उपमेय की उपमान के साथ कल्पना या संभावना की जाती है, इमेजिनेशन की बात होती है, जहां भी कल्पना या संभावना की जाए उसे हम कहते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार। उदाहरण, मानो झूम रहे हैं तल भी मंद पवन के झोंकों से। मानो, मानो वर्ड से ही हमने ये समझ लिया कि संभावना की जा रही है, जब हम मानते हैं कि ऐसा हो रहा है वहाँ संभावना की बात होती है। तो यहाँ ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि हल्की हल्की हवा जो है उसके झोंकों से पवन पेड़ जो है वो गिर रहे हैं। इसके साथ ही मानव जगत क्षीर सागर मगन है। कभी कभी जब चांदनी रात होती है तो दुधिया चांदनी पूरे धरती पर फैली होती है, उस समय देखकर ऐसा लगता है मानव जगत, मानव मीन्स मानव, संसार भूत के सागर में डूबा हुआ है। तो जब भी इस तरह की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाएगी तो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। मैं आपको बता दूं कि जो हमने शब्द अलंकार के जो हमने तीन भेद देखे थे अनुप्रास, यमक और श्लेष, उसके अतिरिक्त चौथा भेद भी माना गया है जिसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति, वक्र प्लस उक्ति, वक्र मीन्स टेढ़ा, उक्ति मीन्स कही जाने वाली बात। जब किसी बात को हम सीधे ना कहके घुमा फिरा कर कहें तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। अब वक्रोक्ति में प्रमुख रूप से दो अलंकारों को लिया गया है, एक अन्योक्ति और दूसरा अतिशयोक्ति। अन्योक्ति अलंकार यदि हम इसको संधि विच्छेद करें तो हम देखेंगे अन्य प्लस उक्ति। अन्य प्लस उक्ति अर्थात एक व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को कोई बात कही जाए। कहने का तात्पर्य प्रत्यक्ष के माध्यम से यदि अप्रत्यक्ष को कोई कथन कहा जाए तो वो अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे कि माली आवत देख कर कलियन कली पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। उदाहरण देखकर हमें ऐसा लग रहा है माली कली और फूलों की बात कही जा रही है पर वास्तव में बात की जा रही है माली अर्थात काल, कली अर्थात युवावर और फूल अर्थात बुजुर्ग। तो काल आता है और बुजुर्गों को अपने साथ ले जाता है और कल जो कलियां हैं अर्थात आज जो युवा है कल बुजुर्ग हो जाएंगे और वो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। तो हमने देखा कि माली कली और फूल के द्वारा बात कहेगी काल, युवा और वृद्ध को, इसलिए यहाँ अन्योक्ति अलंकार होगा। अब आते हैं हम अतिशयोक्ति की ओर। अतिशयोक्ति अर्थात किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कही जाए, लोक सीमा का अतिक्रमण कर। लोक सीमा सांसारिक रूप से जो बातें संभव ना हो उन बातों को यदि हम कहें तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगर उदाहरण देखेंगे
तो उदाहरण तो कई हैं, पर एक उदाहरण देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, जब आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई और कैसे निशाचर भाग गए। इसी प्रकार एक और उदाहरण जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने सोचा ही था, जो नाला बीच में आया था जिस समय वो युद्ध के लिए गए और बीच में नाला आ गया था और चेतक को उसे पार करना था, अभी राणा सोच ही रहे थे तब तक चेतक उस पार पहुंच गया। तो ये सब बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गई है, लोक सीमा का अतिक्रमण करके कही गई है। और जब भी किसी वाक्य में कोई भी बात अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कही जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। Okay.